बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपको होस्ट इमरान खान और आप देख रहे हैं छहवा लैंड फोन। तो दोस्तों आज मौजूद हैं हम फिर से हुस्से अखलाक फाउंडेशन में। तो लासम बिरयानी और चना पुलावी भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो हम इसके लिंक भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इनके दूसरा स्पॉट नॉर्थ काशी में है, तो हमारे साथ मौजूद हैं शैनिल साहब। अस्सलाम वालेकुम शैनिल साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, थोड़ा सा हमें व्यूवर्स को बताइए कि ये जो अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है कब से कर रहे हैं और इन फ्यूचर क्या प्लान है, और ये जो प्रोग्राम है ये कब तक चलेगा? बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग के हुस्ने अखलाक फाउंडेशन के नाम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका एक मेंबर हूँ, फाउंडिंग मेंबर। ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी हुस्ने अखलाक फाउंडेशन, वो हमारे दो दोस्तों ने, जो बचपन के दोस्त हैं, साकिब शमशीर और ईशान इस्लाम शानी, हम लोगों ने मिलकर ये स्टार्ट की थी। काफ़ी सारे जो स्टार्टिंग में सारे जो हमारे करीबी दोस्त थे उनके डोनेशंस के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट की थी। शुरू में हम लोग सब्सिडाइज फूड, जैसे कि आपने जिक्र किया कि सब्सिडाइज बिरयानी और चना पुलाव, हम इतवार के दिन यहीं पर ही अफा कॉलेज के सामने करीमाबाद पर इसी स्पॉट पर सेल करते थे। उसके बाद पिछले साल जब रमज़ान की आमद हुई तो हमने कहा कि थोड़ा सा काम और बढ़ाना चाहिए, तो यहीं इसी स्पॉट के ऊपर हमने इफ्तार दस्तरखान का आगाज़ किया था। इसके अंदर जो भी रोज़ेदार हैं वो यहाँ पर आके इफ्तार कर सकते हैं हमारे साथ। इसी प्रोग्राम को हमने इस साल भी कंटिन्यू किया हुआ है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से यहाँ पे इफ्तार होने वाली है, काफ़ी सारा रश लग चुका है। इसके अलावा हमारी काफ़ी सारी और भी चीज़ें, जैसे कि हम लोग ज़कात कलेक्ट करते हैं, ज़कात के सब ऊपर राशन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं थ्रू आउट द रमज़ान। इसके अलावा सब्सिडाइज राशन भी दे रहे होते हैं जिसका ताल्लुक ज़कात से नहीं होता, जो भी लोग हमें डोनेशन दे रहे होते हैं हम उनकी मद में सफ़ेद पोश लोगों को एक सर्टेन अमाउंट, जैसे कि 8,000 रुपये का एक राशन पैक हमने तैयार किया है, जो हम लोग 4,000 रुपये के अंदर सफ़ेद पोश लोगों को दिए जा रहे हैं, जो कि जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटी, जैसे कि रमज़ान ड्राइव हमारी हो रही होती है, उसके अंदर हम लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे होते हैं अपनी जो। इसके अलावा इफ्तार के अंदर काफ़ी, जैसे हमने स्टार्ट किया था पिछले साल तो काफ़ी छोटे पैमाने पे ये काम हो रहा था, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और जैसे जैसे आप लोग भी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं डोनेशन की मद में, वॉलंटियर्स की मद में, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। हम लोगों को मैन पावर की भी ज़रूरत है और डोनेशन की भी ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ डोनेशन भी, ज़कात भी, खैरात भी, सबका जो आप लोग देना चाहें हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल कितने देर से कितने स्टार्ट किए आपने? जैसे कि पहले दूसरे रमज़ान के ऊपर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली थोड़ा कम से स्टार्ट किया था, तकरीबन हम लोग 3 से 4 देश के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हम लोग तकरीबन 8 देशों के ऊपर आ चुके हैं। और हमारा प्लान ये है कि जैसे जैसे यहाँ पर रश इंक्रीज होता रहेगा हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे। एक चैलेंज जो हमें फेस हुआ था वो ये था कि जो हम शुरू में हम लोगों ने इफ्तार के स्टार्टिंग में फलों का इंतज़ाम भी किया था, लेकिन फलों का आपको आइडिया है कि इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गए थे वो फल, तो हम लोगों ने उसको ड्रॉप कर दिया और उस जो फल के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे उसको, उसके बजाय हम लोगों ने देखी ऐड करा दी थी इसके अंदर। अच्छा, उनके दोबारा से अपने जो भी अदर स्पॉट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल दे दीजिएगा ताकि मजीद हम इनको। इफ्तार के जो हमारे इस वक्त स्पॉट हैं वो दो स्पॉट हैं, एक यहाँ पर हो रहा है करीमाबाद ब्लॉक 4 में अफा गर्ल्स कॉलेज के सामने, इसके अलावा गुलशन इकबाल में मशरक सेंटर है ब्लॉक 2 के अंदर, मोती महल का स्टॉप कहते हैं वहाँ पर, मशरक सेंटर के ऊपर भी यही सारा इंतज़ाम आपको वहाँ पर भी इंशाल्लाह मिल रहा होगा इसी वक्त वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे दुकानदार वहाँ पे होते हैं और वो चलती हुई रोड है मेन राशि मीनाज रोड, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कम्यूट होता है, इस वजह से वहाँ पर भी हमारे पास इफ्तार का इंतजाम मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, ये पीछे इनके, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कैमरा में दिखा सके आपको कि ये बिरयानी का सेटअप है पीछे, ये बिरयानी का सेटअप है, अफ्तारी की जो तैयारी हो रही है यहाँ पे, बिरयानी के साथ खजूर वगैरह भी दे रहे हैं साथ, शरबत भी साथ इनके साथ है। बाकी यहाँ पे पीछे मेरे अकब में देख सकते हैं, पीछे फैमिली कर सकते हैं आगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, फिर मिलते हैं किसी बड़ी सेहत के लिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।